अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग? हेलो, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से हम लोग भी ठीक ठाक हैं। बिल्कुल, वेलकम टू माय व्लॉग। और ये हो गया है हमारा स्टोर क्लोज, बिस्मिल्लाह। और अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। बज चुके हैं 10। अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। स्टोर भी बंद कर दिया है और भूख भी बड़ी जोर की लगी हुई है, क्योंकि मैंने आज सिर्फ सुबह से एक टाइम कॉफी और टोस्ट और दूसरे टाइम चाय और एक हाफ एम्पाना दियो खाया था और कुछ भी नहीं खाया। अब चलते हैं कुछ अच्छा सा खाते हैं, चिकन वाला, बिकॉज आई नीड सम प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। और हम लोग निकल गए हैं खाना खाने के लिए और आज हम मर्सिडीज में नहीं है, आज हम लोग फुर्गोनेता में है। मैं आपको नीचे उतर के दिखाऊंगी कि फुर्गोनेता किसे कहते हैं। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है और हम लोग जा रहे हैं मेरे फेवरेट स्पॉट पे, जहाँ का चिकन बहुत पसंद है मुझे, क्योंकि वो बेसिकली मेरे लिए ही बना हुआ है। मेरे लिए है क्योंकि उसका जो प्लेट का पोर्शन है ना, वो बहुत अच्छा है, जिसमें चिकन ब्रेस्ट आ जाती है, मतलब गुड प्रोटीन, और साथ में थोड़े से राइस हो जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट हो जाता है थोड़ा सा पोर्शन और सैलेड हो जाता है। तो मेरे लिए वो ना गुड पोर्शन ऑफ मील है और मुझे वो बहुत पसंद है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मैं तकरीबन वीक में 2 दफ़ा वसीम को लेकर जाती हूँ कि मुझे खिला के आए। तो हर दफ़ा वो मुझे लेके जाते हैं। आज मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे है। देखिए, मैं ना उस जगह की एक बात आपको बताती चलूँ, वो कोई इतना फैंसी रेस्टोरेंट नहीं है, ना ही कोई इतना उसका फैंसी मेन्यू है। बस मेन्यू बिल्कुल सीधा और सिंपल सा है, जो कुछ भी है इट्स अ बेस्ट, मतलब खाने में मज़ा आती है। इसे कहते हैं फुर्गोनेता, ठीक है। ये हमारे काम के लिए होता है, सामान लाना छोड़ना डिलीवरी करना, इसलिए यूज़ करते हैं। आज यहीं था हमारे पास तो हम इसी में आ गए। और हम लोग आ गए हैं प्लाजा द यूनिवर्सिटाद। मैं आपको दिखाती हूँ बार्सिलोना यूनिवर्सिटी, म्यूजियम डी आर्ट कंटेम्प्रानी दे बार्सिलोना। ये म्यूजियम भी है और यूनिवर्सिटी भी है बार्सिलोना की सबसे बड़ी। यहाँ पे सारे बहुत रश होता है, स्टूडेंट वगैरह सारे बैठे होते हैं। और यहाँ पे ये बहुत बड़ा प्लाजा है, इट्स अ बिग 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 प्लाजा। यहाँ पे ये साइकिल स्टैंड है, यहाँ से आप लोग स्टूडेंट टूरिस्ट वगैरह साइकिल ले सकते हैं और फिर जहाँ पे इसके स्टैंड बने हो वहाँ जाके इसे वापस से खड़ा भी कर सकते हैं, इट्स अ फ्री ऑफ चार्ज। और आज आप लोगों ने नोटिस किया है कि वसीम और मैंने सेम कलर के सूट पहने हुए हैं। वैसे ये कोइंसिडेंटली और बाई चांस हुआ है, क्योंकि जब सुबह वसीम निकले थे घर से तब तो मैं सो रही थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वसीम ने कौन से कलर की टी शर्ट पहनी है। और जब मैं निकली हूँ तो मुझे भी अपना ये ग्रीन वाला टॉप नज़र आ गया था, तो मैंने भी ये पहन लिया। इट्स अ कोइंसिडेंट। और मैं पहुँच गई हूँ बार्सिलोना सेंटर, और मैं जहाँ पे आती हूँ जहाँ का चिकन मुझे बड़ा पसंद है वो ये बिस्मिल्ला का। और ये है रेस्टोरेंट का अंदर का लुक, मतलब नॉट अ फैंसी रेस्टोरेंट, नॉट अ फैंसी मेन्यू, नॉट एट ऑल अ फैंसी सिटिंग एरिया, बट
और ये आ गई है मेरी प्लेट। और ये मैं कंसम मेरे को चम्मच सर्व कर रहे हैं। इसका मैं कहती हूँ कि ये वाला पोर्शन मुझे इनका बहुत अच्छा लगता है, जिसमें चिकन ब्रेस्ट, चिकन टिक्का हो जाती है, सम चावल, उसके ऊपर थोड़ी सी ग्रेवी और सैलेड। और कोका कोला जीरो मंगवाया है मैंने, वो भी आ जाएगा। आज मैकन साहब भी खा रहे हैं मेरे साथ साथ टिक्का और चिप्स। वसीम खा रहे हैं सेम टू सेम मेरी कॉपी की है आज काफ़ी टाइम के बाद। सो चलो एंजॉय। और मैंने इसमें ऐड कर दिया है मायोनेस, थोड़ा सा चिली सॉस और केचप। और अब हम लोग खाते हैं, ठीक है? बिस्मिल्लाह बोले। इटालियन लोग, इटालियन है वहाँ का, इटालियन काफी है। ये डीसी के ऊपर का फिर नरम लेग के ऊपर। अच्छा, मैं बहुत अच्छा जब कॉलिंग कार्ड पे काम करता था ना, इनके टिक्का बेस्ट है। और मैं बड़े शौक से खाती हूँ, कस्टमर डेली। ओके, इसकी वजह से मेरी डाइट भी ठीक ठाक रह जाती है, हेवी भी नहीं है और नॉर्मल पोर्शन है, वो मेरा वेट भी नहीं बढ़ता। ओके, अब तो मेरा खाना हो चुका है, माशाल्लाह मैंने काफ़ी अच्छा और आज बहुत ज़्यादा खाना खाया। तो चले, इस खुशी में मैं आप लोगों से मिलवाना चाहती हूँ ये जो बिस्मिल्लाह डोनर है ना, उसके ओनर से। तो उनके साथ हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, मैं यहाँ पे हर वीक आ जाती हूँ, मुँह उठा के चली जाती हूँ। तो मैं आपको मिलवाती हूँ, उससे हम थोड़े से क्वेश्चन भी करते हैं, तो आपको भी नॉलेज होगी कि वो लोग किस तरह मैनेज करते हैं इसको। हाँ जी कामरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। इनका नाम है कामरान चौधरी, राइट जी? तो ये यहाँ के ओनर है और इनसे हमारा काफ़ी अच्छा रिलेशन है, हमारा बॉन्डिंग है। इनसे पूछती हूँ कि कितने सालों से आपका ये रेस्टोरेंट है? 2003 से। माशाल्लाह आप 2022 स्टार्ट हो चुका है, नहीं एंड होने वाला है, तो कितने साल हो गए? ऑलमोस्ट 18-19 साल जी, ऑलमोस्ट 19 साल हो गए। और कैसा है आपका काम, यहाँ की स्पेशलिटी क्या है वो बताएं, यहाँ का काम कैसा है वो बताएं, और आप ये सारा कुछ किस तरह मैनेज करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ही करम है अल्लाह का। मैनेज तो हम देखें, जितने डोनर खुद बनाते हैं, फ्रेश चिकन लेते हैं, फ्रेश चिकन एवरी डे आता है, उसको मैरिनेट करते हैं, मैरिनेट करके अगले दिन फिर चिकन डोनर हम खुद तैयार करते हैं, टिक्का हम खुद तैयार करते हैं, चिकन मंगा के, चिकन ब्रेस्ट मंगा के उसको काट के और मैरिनेट करके अगले दिन के लिए रेडी करते हैं। जी वही मैं आपका सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ, जो आपका चिकन टिक्का है, चिकन ब्रेस्ट है, वही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं ज़्यादा वही प्रिफर करती हूँ क्या खाऊँ। और आपकी स्पेशलिटी क्या है दूसरी? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो भी बनाते हैं हमारी स्पेशलिटी है, क्योंकि हमारा एवरीडे हर चीज़ फ्रेश होती है, ठीक है, हमारा जो भी हम खाना तैयार करते हैं वो फ्रेश है जी। इस बात पर मैं खुद भी अग्री करती हूँ एज अ क्लाइंट। और दूसरे दिन उन्होंने मुझे ये वाली मूवीज बनाकर भेजी थी, जिसमें इन्होंने ये खुद से पिंचो बनाते हैं, जो चिकन थाइज होती है, चिकन लेग पीस होते हैं, उसको बोनलेस करके वो खुद बनाते हैं, खुद मसाले लगाते हैं। और यही स्पेशलिटी इनकी सबसे ज़्यादा है कि इसे ये लोग काट के इसके अंदर मसाले वगैरह ऐड करके और फिर ये पोर्शन बना कर देते हैं।
और यहाँ पर मैं आपको इनका जो आगे का सेटअप है, जो कुछ इनकी वैरायटीज़ है, वो मैं आपको शो करा रही हूँ। इनके पास ग्रेवीज़ होती है चिकन मटन एंड कोफ्ते की विथ राइस और नान, और इनके टिक्का बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं आपको जितनी तारीफ़ करूँ इतनी कम है, क्योंकि एज अ पर्सनली बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, और इनके जो डोनर है वो भी मैं बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। यही डोनर वाली चिकन है जो मैंने आपको अभी दिखाई है, उसी को ये लोग उतार के इस तरह मसाले के साथ मिक्स करके सर्व करते हैं। और हम लोग निकल गए हैं वापस रेस्टोरेंट से और जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। आइसक्रीम खाने जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो कामरान साहब थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर रहे थे। मेरा कोई नहीं इरादा खाने का, इट्स अ सीक्रेट, उन्होंने कहा इसलिए मैंने हाँ कह दिया, है ना अजीम? हम लोगों ने गाड़ी पार्क की है, घर पहुंचे हैं और रात के 1:30 बज चुका है, ऑलमोस्ट 1:30। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड नाइट। एक नए व्लॉग के साथ फिर मुलाकात होगी। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़।